ब्रेन जिम एक्सरसाइज, जैसे सुबह सुबह आप जॉगिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, करते हैं यस और नो? आप, क्योंकि हमारे शरीर और दिमाग दोनों को तंदुरुस्त रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन दोनों को स्वस्थ रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज अभी करेंगे जिन एक्सरसाइजेस से हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा, वो चीजों को लंबे समय तक याद रखेगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे थोड़ी दिन बाद भूल जाते हैं, दो तीन दिन में भूल जाते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं जिन जिन बच्चे भूल जाते हैं जो। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका फोकस, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। आप जब भी पढ़ने बैठते हो, कभी आपको टीवी में क्या आएगा, कार्टून कौन से चल रहे हैं, खाना क्या बना है, गेम कौन सा खेलने जाऊंगा, दूसरे सब्जेक्ट में क्या आया हुआ, इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं। यस और नो? आज हम सभी ब्रेन जिम एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज सबसे पहले आज हम खड़े होके करेंगे, तो सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, थोड़ा थोड़ा गैप बना ले। BKN गुड मॉर्निंग, BKN स्कूल गुड मॉर्निंग। ओके, सभी बच्चे मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को हिलाएंगे, रिलैक्स करेंगे पूरी बॉडी को। देखो, अब पैर अलग से हिल रहा है, दूसरा पैर अलग से हिल रहा है, ये हाथ अलग से हिल रहा है, ये हाथ अलग से हिल रहा है, और फिर पूरे शरीर को हिलाएंगे। वेरी गुड, फिर पूरी बॉडी को हिलाएंगे दोबारा। ओके, अब ध्यान से देखें सभी, सभी स्टूडेंट्स मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अपने इस हाथ से अपनी ये शोल्डर दबानी है, आपने शोल्डर ऐसे दबानी है क्रॉस में, और जैसे ही दबाएंगे गर्दन इस तरफ मुड़ जाएगी मेरी। देखो, मैंने दबाया, गर्दन मुड़ गई, छोड़ा, गर्दन सीधी हो गई, फिर दबाया, गर्दन मुड़ गई, फिर छोड़ा, सीधी हो गई। ओके, सभी बच्चे दोबारा इसको प्रेस करेंगे और गर्दन टेढ़ी करेंगे, फिर छोड़ेंगे, सीधी करेंगे, 5 times करना है हमने ये वाला। आप हाथ चेंज करेंगे, इस हाथ से ये शोल्डर नेक के पास, बिल्कुल गर्दन के पास वाला हिस्सा दबाना हमने, ठीक है? दबाइए, गर्दन टेढ़ी कीजिए और छोड़ेंगे, सीधी कर ले। दबाइए, गर्दन टेढ़ी, छोड़ेंगे सीधा, दबाइए, गर्दन टेढ़ी, छोड़ेंगे सीधा। ये देखिए, दबाइए, गर्दन टेढ़ी, छोड़ेंगे सीधा। ओके, 5 times हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम अपने इस चलो पहले पैरों की करते हैं। हम इस पैर को इधर लेके आएंगे, 1 back, चलो करो, 1 back, एक पैर हल्का सा आगे क्रॉस में। देखो, ये पैर क्रॉस हो रहा है मेरा, क्रॉस करना है, क्रॉस ऐसे, 1, एड़ी लगानी है नीचे, हाँ, बैक, 2, बैक, 1, बैक, 2, बैक, 1, स्पीड नहीं करेंगे अब, 2, 1, 2, 1, 2, 1, क्रॉस में लेके आएंगे सभी, 1, 2, ओके। इसके बाद नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे। अब हम पीछे से इस हाथ से ये पैर टच करेंगे क्रॉस में, ये ध्यान से देखें मेरे पैरों की तरफ, ये टच करेंगे, ऑलराइट, 1, 2, 1, 2, चलो सभी, 1, 2, 1, 2, वेरी गुड BKN, 1, 2, 1, 2, क्रॉस में लेके आएंगे, SVM इंटरनेशनल बेटा, क्रॉस में। देखो, ये उल्टा है, एक इधर वाला पैर, राइट पैर लेफ्ट लेग को छू रहा है, राइट हैंड लेफ्ट लेग को, ध्यान से देखें, ये बैक, ये बैक, ये बैक, ये बैक, जल्दी जल्दी करेंगे अब, बैक, 1 back, 1 back, जल्दी जल्दी, क्रॉस में,
आप आगे से करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आगे से करेंगे, इस एल्बो से इस नी को क्रॉस में नी को टच करेंगे, वन वाव गुड। चलिए देखिए ये ध्यान से ऐसे क्रॉस 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 में, यस क्रॉस में, वेरी गुड एसबीएम, वेरी गुड कौशल्या, क्रॉस में, वेरी गुड। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, मेरे साथ ध्यान से करेंगे, सीधे खड़े हो जाएं, सीधे खड़े हो जाएं, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी मूवमेंट रखनी है, तो आपने कितनी मूवमेंट रखनी है उतना स्पेस बना लें क्लास के अंदर, ध्यान से देखें कितनी मूवमेंट करनी है, वन टू थ्री फोर, सिर्फ हल्का सा एक कदम आगे लेके आना, बिल्कुल हल्का सा, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इतनी जगह चाहिए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, सिर्फ इतनी जगह चाहिए, वन टू थ्री फोर करें। अब इसके साथ साथ वन करते ही आपने हाथों को कैसे लगे आना है, ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट्स, सीधे खड़े हो जाएं, बीकेएन सीधे खड़े हो जाइए आप दोनों, वेरी गुड। द्रोणाचार्य सीधे खड़े हो जाएं सभी स्टूडेंट्स, द्रोणाचार्य मुबारकपुर सीधे खड़े हो जाएं सभी, अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाएं, हल्का सा गैप बना ले क्लास के अंदर, हल्का सा गैप बना ले, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं, हां बना लो, कोई इश्यू नहीं है। आप ध्यान से देखो, वन वन में हाथ इधर आएगा, टू सीधा आएगा, थ्री इधर जाएगा, फोर पीछे आ जाएगा, ठीक है। वन वन में हाथ राइट में जाएगा, देखो मेरा ये पैर उठ रहा है, ये हाथ राइट में गया, टू टू में सीधा आ गया, थ्री थ्री में लेफ्ट में गया, फोर नीचे हो गया। दोबारा करेंगे सभी मेरे साथ, वन में राइट लेग बाहर आएगा, राइट लेग बाहर लाइए, राइट लेग और हाथ ऊपर राइट में, राइट लेग को आगे लेके आएंगे और हाथों को राइट में लेके जाएंगे, टू लेफ्ट लेग भी आगे आएगा, हाथ सीधे हो जाएंगे, थ्री राइट लेग पीछे जाएगा, हाथ लेफ्ट में चले जाएंगे, फोर डाउन, ओके दोबारा करते हैं, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अभी एक साइकिल चलेगा, ये देखिए बिल्कुल राउंड साइकिल चल रहा है, शाबाश शाबाश शाबाश, सीधे 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 खड़े हो जाएं, द्रोणाचार्य मुबारकपुर सभी ढंग से करेंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, शाबाश। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, सीधे खड़े हो जाएं सभी, सभी सीधे खड़े हो जाएंगे, इन दो उंगलियों को बाहर लेके आए, बीच वाली उंगली को राइट हैंड की और थंब को, बीच वाली उंगली को और राइट हैंड के थंब को बाहर लेके आए, वेरी गुड। आप इसे अपनी छाती पे लगा लें, इन दोनों उंगलियों को ध्यान से देखें, मैंने दोनों उंगलियों को ऐसे छाती पे लगा रखा है, ध्यान से देखें ऐसे, हाँ शाबाश। और अब लेफ्ट हैंड की दोनों उंगलियों को बाहर लेके आए, बीच वाली उंगली और अंगूठा, हाँ शाबाश, उसको नाभि पे लगाना है आपने, पेट के बीच में बिल्कुल, को नाभी पे लगाना इन दो उंगलियों को। क्वेश्चन लेवल स्कूल प्लीज अपना कैमरा ठीक करें, आप देखिए इनको ऐसे मूव करना है गोल गोल, इनको ऐसे गोल गोल मूव करना है, हाथों को गोल गोल घुमाना है इन दो उंगलियों के साथ, चलो सबसे पहले एक काम करेंगे, थोड़ा इसको आसान बनाते हैं, पूरे हाथ को ऐसे कर लें, दोनों हाथों को ऐसे करें, दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, एसवीएम दोनों हाथों को ऐसे कीजिए, सामने सामने की तरफ, वेरी गुड।
अब राइट हैंड को छाती पे रख दें, लेफ्ट हैंड को टमी पे रख दें, स्टमक पे रख दें, अपने पेट पे रख दें। अब ऐसे गोल गोल घुमाएं, गोल गोल घुमाते रहें, दोनों हाथों को एक साथ घुमाएं। देखिए मेरा हाथ कितना घूम रहा है, सिर्फ मेरी छाती के बीच बीच में और स्टमक भी नाभि के बीच बीच में, पूरा ऐसे ऐसे नहीं करना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा। अब उल्टा कर दें, नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला हाथ नीचे। हाँ हाँ शाबाश। अब दोबारा नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला हाथ नीचे। शाबाश शाबाश। आप सभी को ये एक्सरसाइज 10 times, कितनी 10 times इन अ डे जरूर करनी है। कितनी बार करेंगे? वेरी गुड, 10 times। आप जो 10 times करनी है, इसमें एक और एक्सरसाइज हम ऐड करेंगे आज। अगली क्लास में मैं एक्सरसाइज बढ़ाना चाहता हूं, तो आप प्लीज इन एक्सरसाइज को रियली प्रैक्टिस करें। अगर एक बच्चा इन एक्सरसाइज को नहीं कर पा रहा, इट मींस वो बच्चा इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। ऑलराइट, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएंगी। मुश्किल तो नहीं है एक्सरसाइज मेरी? यस और नो, मुश्किल तो नहीं है? लेकिन लेकिन आपको प्रैक्टिस रोज करनी है। आप दोनों हाथों को ऐसे लेके आएंगे, सभी बच्चे आप एक हाथ बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। प्रैक्टिस करो, एक हाथ बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। ये देखो, ये मेरा ऐसे चल रहा है, ये मेरा ऐसे चल रहा है। नहीं हुआ क्या आपसे? हुआ? रुको मैं सिखाता हूं, सभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं सिखाता हूं। सिखा दूं? यस और नो? कौशल एवर्ड स्कूल सिखा दूं? यस और नो? इतना स्लो बोलोगे? से यस। वेरी गुड। दोनों हाथों को ऐसे करेंगे आप सभी, और मेरी बात पे ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। कमर सीधी कर ले, कमर सीधी करके दोनों हाथों को ऐसे कर लो। बेटा पहले सीख लो, द्रोणाचार्य पहले सीख लो। अब आप वेरी गुड, SVM पहले सीख लो, मिडल रो पहले देखो करना कैसे है। आप एक हाथ को बाहर की तरफ चलाओ, दूसरा हाथ यहीं रहेगा। नहीं नहीं कौशल्या, आप गलत कर रहे हैं। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ हाथ को हिलाना है, यहां से एल्बो से अपनी कोहनी से हाथ हिलाना आपने। वेरी गुड, एक डायरेक्शन में बाहर की तरफ इसे मूव करते रहें, दूसरा हाथ यहीं खड़ा रहेगा। आंखों को बंद कर लो और हाथ को घुमाते रहो। आईज को क्लोज कर दो, हाथों को घुमाते रहो। आईज क्लोज करो सभी, हाथों को घुमाते रहो और दिमाग को सिग्नल दो कि यह हाथ कैसे मूव कर रहा है। आप इस हाथ को यहां रोक दो, आंखें खोल लो। अब दूसरे हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे। आंखों को बंद कर लो और ब्रेन को सिग्नल दो ये हाथ कैसे चल रहा है। धीरे से आंखें खोलो, हाथ को वहीं रोक दो। आप दोनों हाथों को एक बार रिलैक्स करेंगे, सीधा करेंगे, रिलैक्स। एक लंबी सांस लेंगे, लंबी सी, एक और लंबी सांस लो। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को दोबारा ऐसे लेके आएंगे। अब जो बाहर वाला हाथ कौन सा था उसे ऊपर ले आओ, जो हाथ बाहर की तरफ था उसे ऊपर ले आओ, जो हाथ अंदर की तरफ था उसे अंदर कर थोड़ा नीचे ले आओ, क्लोज ले आओ, छाती के करीब ले आओ। ठीक है, अब दोनों हाथों को धीरे धीरे बाहर, एक को अंदर की तरफ, एक को बाहर की तरफ नीचे लेके आओ और नीचे मिला दो, एक साथ, एक साथ।
और नीचे से दोबारा ऊपर ले आओ और फिर मिला दो। अब देखो दोबारा एक को ऊपर उठाओ, अंदर वाले को अंदर की तरफ, और धीरे धीरे इन्हें नीचे ले आओ और मिला दो। दोनों को एक साथ मूव करना पड़ेगा आपको। आप दोनों को एक साथ ऊपर की तरफ, अब दोनों को एक साथ नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। शाबाश, एक साथ। ओके, और आप एक जोर का झटका लेंगे और इसे पूरा सर्कल बना देंगे और गाड़ी चल पड़ेगी। चलो चलो, शाबाश, करके दिखाओ। नहीं नहीं नहीं। चलो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपके जो टीचर्स वहां अवेलेबल है उनके लिए जोरदार तालियां, उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टीचर्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास। बाय।